अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, मौली को सुबह के कमरे में लेकर जाइए। आज से मौली का कमरा वही होगा जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। जा रहे जमाना, अगर बेटी को बाप के बंदूक से ही उड़ाना था तो हमसे इतना पापड़ का ही बेलवाई। समधन जी, मौली को शहीद नहीं बनाना है, सिर्फ सबकी नजरों से गिराना है। वैसे है कहाँ वो महारानी? कहा बताएं, आजकल के पढ़ा लिखा लड़का लोग ना अपनी मेहरारू को भी पढ़ाने लगा है। विहान मौली को लेके स्कूल गया है आज। अच्छा, चटपट चटपट इसकी बोली रे, सुन से गुजर जाए जैसे हो बंदूक की गोली रे, रे मस्त मौली रे। मौली, ये तुम्हारा आईडी कार्ड। और ये तुम्हारा स्कूल बैग। क्या हुआ मौली? वो बहुत दिनों बाद पहली बार स्कूल जा रहे हैं ना, तो थोड़ा नर्वस हो रही हो। वाह, हाथ से खेलने वाली मौली, नदी में कूद जाने वाली मौली, स्कूल जाने से घबरा रही है। मौली, तुम ज्ञान के मंदिर जा रही हो। जानती हो, चिराग सिर्फ घर को रोशन करता है, लेकिन शिक्षा हमारी जिंदगी को रोशन करती है। और पढ़ लिख कर तुम वो सब कुछ पा सकती हो जो तुम्हें घर, परिवार, समाज किसी से नहीं मिलता। और पढ़ लिख कर तुम अपनी ही नहीं, बहुत सी लड़कियों की तकदीर बदल सकती है। इसलिए जाओ और मन लगाकर पढ़ो और जमाने के लिए एक मिसाल बनो। आपने तो हमारा सारा डर ही दूर कर दिया। अब देखिएगा हम कैसे किताब फाड़ पढ़ाई करते हैं पापा के साथ। क्या कर रही हो? तुमको मैंने बताया था ना कि आदमी और औरत एक बराबर होते हैं, इससे तुम्हें पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। पति के तौर पर थोड़ी छू रहे हैं आपके पैर, गुरु के तौर पर छू रहे हैं। कहे कि आप हमारे पहले गुरु हैं। जिंदगी में भी और स्कूल में भी। हमें आशीर्वाद दीजिए बिहान। मौली, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम मुझसे भी अधिक पढ़ लिख जाओ, मुझसे भी अधिक कामयाब हो जाओ और एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचो। ये कैसा आशीर्वाद दिया आपने? हम आपसे आगे बढ़ने के लिए थोड़ी आए हैं स्कूल, हम पढ़ रहे हैं ताकि हम आपके साथ साथ चल सके। हाँ।
आज अनपढ़ है तो हमारे हाथ नहीं आ रही, कल को पढ़ लिख लेगी तो हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। अरे जानत है संधन, यही लिए बचपन में आपू का स्कूल ने जाए दियो, अगर वो पढ़ लिख लेगी तो अपन हक जान लेगी। पर अब क्या करें? तुम कुछ करो ना करो पर मुझे तो कुछ करना ही होगा। प्रिंसिपल साहब, आज एक नया दाखिला आने वाला है अपने स्कूल में, उसे ऐसा पाठ पढ़ाइए जो स्कूल के नाम से उसकी आत्मा तक ताप जाए। एक बात बताएं आपसे, क्या पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो, महापुरुष जो अपनी पत्नी को शादी के तुरंत बाद यहां ले आए हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए। एक बात बताएं कि हमारे दिल में आपके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई। जी पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती प्रिंसिपल साहब। सही कहे, बिल्कुल सही कहे। वो कहा है ना कि अगर देश का करना है तरक्की तो यहां की औरतन का शिक्षा बहुत ही जरूरी है। वैसे एक बात कहें कि आप इनको यहां ले आए, समझिए आपकी जिम्मेदारी एकदम खत्म, अब एकदम निश्चिंत होकर घर जाइए। अरे इनको इनकी क्लास तक हम छोड़ देंगे। अब बिहान थोड़ी देर और ना ही रुक सकते का? मौली तुम अभी भी डर रही हो? नहीं वो बस अगर कुछ पढ़ाया और सर के ऊपर से चला गया तो? उसके लिए प्रिंसिपल साहब है ना, और वैसे भी स्कूल के बाद में आ रहा हूं ना तुम्हें लेने। पक्का ना? पक्का। अब तुम मन लगा के पढ़ाई करो। फिकर ना कीजिए, हमारा आशीर्वाद है ना तुम्हारे साथ। अरे चलो तुमको तुम्हारी कक्षा तक छोड़ देते हैं, चलो। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।